नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम UGC नेट पेपर 1 का PYQ कर रहे थे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने दो वीडियो लेक्चर कर लिया था, जिसमें 2004 से 2012 तक के PYQ हमने पढ़े थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम जून 2013 से 2016 या 17 तक प्रश्न करेंगे। तो मैंने हर प्रश्नों के उत्तर नहीं लगाए हैं, तो आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह ही अटैम्प्ट करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जून 2013 का प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप विकल्प को खुद से पढ़ के इसका सही उत्तर बताइए। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता है? तो ये विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? जून 2013 का प्रश्न है, ये विकल्प दिए हैं, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। अगर जो दोस्त इंग्लिश में देख रहे हैं तो वो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो वो है विकल्प सी, ई लर्निंग है। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि? जून 2013 का प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? जून 2013 का प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? ये चार विकल्प में से सही उत्तर होगा, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, विकल्प सी उस सही उत्तर होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टडी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब? जून 2013 का प्रश्न है, ये विकल्प दिए हैं, सही उत्तर देख के बताइए। एक व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर आनंदित कब महसूस करता है? जब वो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि? शिक्षक को, जून 2013 का प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, विकल्प को पढ़कर। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित हैं, तो इसका अभिप्राय शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, हाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण कौन से होते हैं? ये विकल्प दिए हैं, देख के बताइए सही उत्तर। प्रभावी शिक्षण जो शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, विकल्प सही होगा सी, सी सही होगा इसका विकल्प। अगला प्रश्न, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, ये विकल्प हैं, विकल्प को देख के इसका सही उत्तर बताइए। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है कि? लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? कि वो स्टूडेंट के व्यवहार को संशोधित कर सके, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम से व्यवस्थित कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, दिसंबर 2013 का प्रश्न है। शिक्षण प्रक्रिया को
क्रम में लगाना है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। पहले क्या करोगे आप, शिक्षण लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना, मतलब पहले नंबर पे ये आएगा शिक्षण लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना। दूसरे नंबर पे आएगा वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। तीसरे नंबर पे आएगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतीकरण करना। चौथे नंबर पे आएगा फिर उनका मूल्यांकन करना, फिर उनका पुनर्शिक्षण करना। पांचवे नंबर पे ये आएगा। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। व्याख्यान देते समय, लेक्चर देते समय अगर कोई स्टूडेंट कक्षा में विघ्न डालता है तो क्या करना चाहिए उस टाइम, उस समय करना चाहिए अध्यापक को जो बाधा डाले उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। जून 2014 का प्रश्न है, अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, विच इज़ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। तो निरूपण करना सही उत्तर होगा इसका, फॉर्मुलेशन विकल्प सी। अगला प्रश्न, डिलेक्सिया संबंधित जून 2014 का प्रश्न है, डिलेक्सिया किससे संबंधित है। तो पठन विकृति डिलेक्सिया से संबंधित है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा के संचार को सामान्यता समझा जाता है कि यह होगा। जून 2014 का प्रश्न है, गलती से यूनिट 4 संचार का प्रश्न ले लिया मैंने। यूनिट वाइज इनको छांटने में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा टीचिंग एप्टीट्यूड का है कौन सा कम्युनिकेशन का है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, विकल्प भावात्मक विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। जून 2014 का प्रश्न है। दोस्तों इन सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करने का मकसद यही है ताकि आप देख सके कि 2004 से 2020 तक जो अभी मैं करवाऊंगी उसमें प्रश्नों के लेवल किस तरह से बढ़ते गए हैं, पहले किस तरह से पूछे जाते थे और अब किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न के लेवल और इनके विकल्प ऑप्शन वो भी इंक्रीज होते गए हैं, बढ़ते गए हैं। तो और बहुत ही इनडेप्थ, बहुत ही गहराई से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आपने ध्यान से नोटिस करना है, इनको एक जगह संग्रहित करने का मकसद यही है मेरा। मेरा वैसे करवाने का कोई मन नहीं था क्योंकि आप सबके कहने पे मैं ये करवा रही हूँ और पेपर वन की सीरीज़ में अच्छा रिस्पांस भी नहीं आ रहा है तो मेरा मन नहीं करता इसको करवाने को। फिर भी कई दोस्त हैं उनके कहने पे मैं ये चलिए ले आऊँगी आप सबके लिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। जून 2014 का प्रश्न है ये, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये चार विकल्प में से सही उत्तर होगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। जब विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे फीडबैक आता है तो वहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास होता है, मतलब फॉर्मेटिव होता है जो निरंतर, और फीडबैक ये हमेशा फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से
विराजमान पूर्णता का आविर्भाव के द्वारा कहा गया है। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, ये कथन किसका है, ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी का। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? चार विकल्प हैं, देख के बताइए। तो ये निर्देशन पद्धति द्वारा संभव है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, क्लिनिकल असेसमेंट इंश्योर क्या करता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ यही है कि अनुदेशन के दौरान अधिगम की समस्त समस्याओं के कारण का पता लगाना, फिर उनका इलाज करना। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक क्यों करता है? ताकि विद्यार्थियों के कंसेप्ट क्लियर हों, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है, किस पे पड़ता है? भावनात्मक क्षेत्र पे। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतर स्तर क्या है? ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतर स्तर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज रिलेटेड क्वालिफिकेशन? तो ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन करना। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो कौन नहीं करता? शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प को ध्यान से पढ़कर, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? वह संकल्पना धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, वह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, वह रटकर सीखने, ये तो नहीं आएगा। विकल्प डी, तो ए बी सी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए बताना है आपने,
techniques used by the teacher for teaching include, तो एक शिक्षक टीचिंग में क्या करता है, लेक्चर देता है, अपने लेक्चर के द्वारा इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट से और सामूहिक कार्य करता है, ग्रुप वर्क करता है, और स्व अध्ययन तो वो खुद का हो गया स्टूडेंट का। तो शिक्षक द्वारा अध्यापन में पूछा है तो ए बी सी आ जाएगा इसका भी सही उत्तर, विकल्प ए। हाँ, अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए उपलब्ध की जाती है? अचीवमेंट टेस्ट आर ऑफ्टन यूज फॉर विच ऑफ फॉलोइंग? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण कब प्रयुक्त किया जाता है, कब यूज में लाया जाता है? शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, दिसंबर 2015 का प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? ये चार विकल्प में से देख के बताइए, जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे, टू मोटिवेट स्टूडेंट लर्न, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं, दिसंबर 2015 का प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों में जितनी समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, तो उतनी अपेक्षाएं किससे की जाएंगी? जब छात्रों में बाधाएं आएंगी तो शिक्षक से ही अपेक्षा की जाएगी ना, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। सतत व्यापक मूल्यांकन, पूरा मूल्यांकन कब किया जाता है? यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, यह छात्रों के प्रत्येक पहलुओं का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा के डर को कम करने के लिए सहायता करता है, विकल्प बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा गुण शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है? उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना, विकल्प बी सी डी, हाँ बी सी डी मतलब ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? बताइए ऑप्शन देख के सही उत्तर। तो वो है, यह सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित हैं? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। अरे इस प्रश्न का तो उत्तर ही लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए, पहले उनकी कमजोरियों का पता करेंगे, फिर उनका उपचार करेंगे, फिर निर्देश देंगे, फिर उनका फीडबैक लेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे
कारकों की सूची दो बार लिखा गया है, जुलाई 2016 का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक बताने हैं, कौन से हैं? एक टीचिंग इफेक्टिव कब होता है, सकारात्मक इफेक्टिव कब होता है? जब एक अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो, अध्यापक का संप्रेषण कौशल हो, कक्षा के व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता हो, विकल्प एफ। तो यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा, ए सी और एफ। हाँ, ए सी और एफ, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण संबंधी सहायक उपकारकों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है, जुलाई 2016 का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? टीचिंग में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड, इनका उपयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, इनका क्या लाभ है? ताकि जो भी हमने विद्यार्थियों को सिखाया हुआ है उसका अच्छा आउटकम, अच्छा रिजल्ट आए, इसलिए हम शिक्षण में, टीचिंग में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो इसकी औचित्य का आधार है, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तर्क, इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है, जुलाई 2016 का प्रश्न है। अब बताइए तर्क और अभिकथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन तर्क अभिकथन से संबंधित नहीं है, इसकी अच्छी सही व्याख्या नहीं की है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये मुझे खुद नहीं दिख रहा, मैं आपको कैसे पढ़ के बताऊँ, इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। अब देख के पढ़िए इसको और इसका सही उत्तर बताइए। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संगणनात्मक आयामों का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे दिए गए मतों को सेट वन और सेट टू से सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित करना है, बताइए इसको सम्मिलित करके इसका सही उत्तर कौन सा होगा। स्मृति स्तर का आएगा, स्मृति स्तर को हमने सम्मिलित करना है। प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, विकल्प दो से। अवबोध स्तर आएगा, अवबोध स्तर, किसी बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरण को पृथक करने का अवसर देना, एक से। और विमर्शी स्तर आया है, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना, फोर से। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपने इसको कोड को मिलाना है, तो इस तरह सही उत्तर होगा इसका सी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पना में शिक्षार्थियों के विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए, जुलाई 2016 का प्रश्न है। ये चार विकल्प दिए हैं, इसमें से सही उत्तर बताइए देख के। तो इसका सही उत्तर होगा, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, विकल्प ए। विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, विकल्प तीन।
विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, चार विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो इस तरह सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, चलिए ये तो खत्म हो गया। तो ये थे आज के 38 प्रश्न। तो आज हमने 2013 से 2016 तक प्रश्न किए। आगे के वीडियो लेक्चर में 2017-18 के प्रश्न आएंगे। तो आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की फीडबैक कमेंट सेशन में कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।